बदनामी जमाना लोमड़ की चलाकी तभी जहर होती है जब जानवरों से बहुत तंग होकर रह जाते हैं। बहुत सारे लोमड़ जो गिरोह की सूरत में एक बेदर्द शिकारी को भगा रहे हैं, एक बेदर्द शिकारी लगड़ बग्गा को घुमा कर घूम रहे होते हैं और लगड़ बग्गा को चारों तरफ से घुमा कर रख दिया है। लोमड़ बिजली की तरह लगड़ बग्गा पर हमला करते नजर आते हैं। लोमड़ियों की लंबाई निसफ मीटर से एक मीटर तक होती है। लोमड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा वजन 10 किलोग्राम से 11 किलोग्राम तक होता है। ये लोमड़ियाँ तकरीबन दुनिया के हर ममालिक में पाई जाती हैं। इस लोमड़ी का मस्कन जंगल नहीं है बल्कि जहाँ इसे खाना मैसर आता रहता है ये वहाँ पर ठहर। इस क्लिप में लोमड़ी कितनी चलाकी के साथ लगड़ बग्गा पर हमला करते नजर आ रही है और उन्होंने लगड़ बग्गा को चारों तरफ से घेरा और शायद ही लगड़ बग्गा को मार जाती हैं। लेकिन लगड़ बग्गा बहुत ही कोशिश कर रहा है कि इनसे बच पाए लेकिन ये ऐसे ही इसे छोड़ने वाले नहीं हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। लगड़ बग्गा अगर वो तादाद में ज़्यादा होते तो ये इस पर ये नौबत ना आती क्योंकि लगड़ बग्गा एक ऐसा जानवर है जिससे शेर भी डरते हैं क्योंकि ये ऐसा बेदर्द शिकारी है। शेर भी इनसे खौफ खाते हैं और इसे बचने की कोशिश करते हैं। वो गरीब जानवर को अक्सर आपने देखा होगा, इसका जिस्म चाल चलन और आवाज शिकार का अंदाज सब अजीब है। आखिर ये क्या बला है? लगड़ बग्गा का शुमार इंतहाई खतरनाक गोश्त खोर दरिंदों में होते हैं बल्कि ये शेरों के बच्चे भी उठा लाते हैं। गिरोह की सूरत में अपने शिकार पर हमला करते हैं और जगह जगह से एक बेहतरीन शिकारी जानवर है जो इंतहाई बेदर्द शिकारी है। बेदर्द शिकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने शिकार को जिंदा ही खा। असल में ये काफ़ी दिनों से भूखे होते हैं, जब इन्हें शिकार नज़र आता है तो उस पर टूट पड़ते हैं, उसे जिंदा ही खा जाते हैं। क्लिप में मुलाहजा कीजिए, एक शेर को उन्हें तंग कर रखा है, शेर को खाना चाहते हैं लेकिन शेर उनसे बहुत तंग हो चुका है। अब शेर सोच रहा है कि इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए क्योंकि ये ग्रोह की सूरत में है ना, ये शेर को अब शेर की हालत बहुत ही तंग हो चुका है। शेर यहाँ पर शेर बहुत तंग होकर इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन अकेला शेर क्या करे, उसके बस का काम नहीं है क्योंकि एक शेर दौड़ता है बहुत तेजी से और शायद ये लगड़ बग्गा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर लगड़ बग्गा उसके हाथ में आ जाता है और दूसरा शेर भी आ जाता है, लगड़ बग्गा को मारना शुरू कर देते हैं। लगड़ बग्गा बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं तो फिर शेर दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि नीचे उतरो, आओ हमारे साथ जंग करो। शेर भी इनसे डरते हैं क्योंकि ये बड़े जालिम शिकारी हैं। जब ये किसी को एक बार अपने जंगल में फंसा लेते हैं तो फिर शेर के पास में लगड़ भी शेरों के बच्चे उठा लेते हैं और इन्हें मार कर खा जाते हैं। जब शेरों को मौका मिलता है तो शेर भी इनके बच्चों को उठा कर खा जाते हैं।